उनके तेवर हमेशा तीखे होते हैं, तो शब्दों के बाण किसी को भी छलनी कर देते हैं। बात हो रही है जया भादुड़ी और जया बच्चन की, जिनका और विवादों का साथ हमेशा चोली दामन का रहा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। 9 अप्रैल 1948 के दिन बंगाली परिवार में जन्मी जया भादुड़ी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। उनके तीखे तेवर और तल्ख अंदाज के अब तो काफी लोग शिकायत हो चुके हैं। आलम तो ये है कि जया के एक बयान के चक्कर में अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ गई थी। आइए हम आपको बताते हैं, जया के विवादों से रूबरू कराते हैं। जया बच्चन एक बार ऐश्वर्या राय को लेकर पैपराजी पर भड़क गई थी। दरअसल ऐश्वर्या किसी इवेंट में लौट रही थी, उसी दौरान फोटोग्राफर ने ऐश्वर्या को ऐश कहकर पुकारा तो जया भड़क गई। उन्होंने कहा, क्या ऐश ऐश लगा रखा है, तुम्हारी क्लास में पढ़ती है क्या? जया बच्चन एक फैन पर भी भड़क चुकी है। दरअसल उस फैन ने अपने फोन से जया की तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, जिस पर जया नाराज हो गई। उन्होंने पूछा, क्या तस्वीर खींचने से पहले मुझसे इजाजत ली, थोड़ी तमीज सीखो। ये किस्सा 2014 के लोकसभा चुनाव का है। उस दौरान जया ने तस्वीर खींच रहे फोटोग्राफर को तगड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि क्या जंगली की तरह व्यवहार कर रहे हो। उस दौरान अभिषेक बच्चन ने उन्हें शांत किया था। जया बच्चन के मुखर अंदाज से अभिषेक बच्चन भी मुश्किल में पड़ चुके हैं। दरअसल जया एक बार लिटरेचर फेस्ट में भाषण देने के स्टेज पर पहुंची थी। वहां उन्होंने अपने बेटे अभिषेक की फिल्म को नॉनसेंस करार दे दिया था। जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच झगड़ा चल रहा था, उस दौरान किंग खान ने भाईजान की पुरानी गर्लफ्रेंड्स पर भी निशाना साधा था। उन्होंने ऐश्वर्या का भी जिक्र कर दिया था, जिससे जया नाराज हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं वहां होती तो शाहरुख को थप्पड़ मार देती। बॉलीवुड के गलियारों में जया का गुस्सा एक किस्सा आज भी चर्चा में आ जाता है। दरअसल बात साल 2008 की है। उस दौरान द्रोण फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रियंका हिंदी में बात कर रही थी। ऐसे में जया ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा था, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं इसलिए हिंदी में बात करें, महाराष्ट्र के लोग माफ कीजिए। इस बयान पर राज ठाकरे भड़क गए थे। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर जया माफी नहीं मांगती हैं, तो अमिताभ की सभी फिल्में बैन कर दी जाएगी। जब अमिताभ की फिल्म द लास्ट लेयर की रिलीज के बाद थिएटर में तोड़फोड़ हुई, तो जया के बदले बिग बी ने माफी मांगी थी। फिलहाल के लिए इतना ही, देख रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ। गुड बाय।